देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? योगी मोदी जी की जय। केंद्र सरकार ने आम चुनाव से पहले CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी, इसे लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। इस बीच सीमा ने CAA लागू होने पर PM नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सीमा ने CAA की घोषणा होने के बाद नोएडा में अपने परिवार के साथ इसका जश्न मनाया। देश में भारत सरकार ने नागरिकता कानून लागू किया है, जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। खुशी में हम रसगुल्ले बांट रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। तो इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं और फटाके भी फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं तो मन तन से खुश हो गई। तो मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आपको बता दें कि इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के लागू होते ही शुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। उसे भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की वजह से 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके प्रेमी सचिन मीणा को भी अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 7 जुलाई 2023 को स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। सीमा ने दावा किया था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन से शादी कर ली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या CAA के तहत सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई है। दूसरी, वो मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को CAA के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वो बतौर हिंदू महिला की तरह रहती हैं, लेकिन ना तो वो जन्म के आधार पर हिंदू हैं और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी, इसलिए इस कानून के तहत उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है। वो तरीका है एक भारतीय से शादी। चूंकि सीमा ने सचिन से शादी कर ली है, सचिन एक भारतीय नागरिक है, तो ऐसे में वो अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद सीमा को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारिक के मुताबिक, अगर सीमा हैदर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के आवेदन देती हैं, तो उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। पारिक ने बताया कि CAA के जरिए सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका मामला अलग है। उन्होंने कहा कि अब चूंकि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर ली है, तो वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती हैं। वो सरकार से कह सकती हैं कि वो अपने भारतीय पति के साथ यहीं रहना चाहती हैं। अगर सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। पारिक ने बताया कि हालांकि इससे पहले सीमा को पाकिस्तानी नागरिकता छोड़नी होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।